उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं, तो मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पर्वतीय जिलों में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको बता दें, अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं, तो पर्वतारोहियों को भी ट्रैकिंग के लिए मना किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। पर्वतारोही क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो पर्वतीय जिलों में पर्वतारोहण के लिए ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। 3 दिन लगातार बारिश के ये आसार बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में सतर्कता, विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रैकिंग के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है, और सबसे ज्यादा जो चिंतन करने का विषय है वो है कि पर्वतीय इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है, इसके साथ ही ट्रैकिंग के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने पूर्व में जारी कर दिया था और 6 और 7 तारीख को भारी बारिश का प्रकोप दिखेगा। देहरादून की बात करें तो देहरादून में कल से मौसम बिगड़ा हुआ था, हालांकि आज साफ है, कल बारिश हुई है रुक रुक कर लगातार, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ के ऊंचे ऊंचाई वाले इलाकों में बात करें तो धारचूला के दरामा वैली में और बद्रीनाथ जिले में, यानी चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के ऊपर बर्फबारी हो चुकी है। तो सर्दियों के सीजन की शुरुआत पहाड़ों में यूं तो गए हो चुकी है, पर बर्फबारी जो ऊपर पहाड़ों में हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मैदानी इलाकों में यूं तो तापमान अभी सामान्य है, लेकिन जो 2 दिन की बारिश पड़ेगी जो प्रस्तावित है पड़ना, जैसा मौसम विभाग का अलर्ट है, तो इससे तापमान में गिरावट होने के साथ ही सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होगा। वही मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल जिले में और अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये भारी बारिश का ही अलर्ट है कि राज्य सरकार का मंथन एक कार्यक्रम प्रस्तावित था नैनीताल में 3 दिन का, ये बड़ा आयोजन था, इसको भी सरकार ने निरस्त किया है, फिलहाल पोस्टपोन किया। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग का प्रतिबंध लगाया गया है।